मेरा वीक सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहा, क्योंकि मेरा ओके बैकग्राउंड नहीं है और मुझे जो एक पेपर 7 था मैथमेटिक्स, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। जैसे एक नॉर्मल एस्पिरेंट है, वो अगर उत्तराखंड तैयार करके जाता है, कॉन्फिडेंट होता है मुझसे उत्तराखंड पूछा जाएगा, स्टैटिक पे तैयार करते जाता है, लेकिन हम जो पूरा इंटरव्यू का 50% टाइम जॉब ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे हो जाता है, मीडियम को नुकसान रहता है। लेकिन सर, जब हम उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी करते हैं तो उत्तराखंड स्पेसिफिक मैटर हिंदी में ही मिलता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। आज फर्स्ट टाइम इस चैनल पे उत्तराखंड पीसीएस के जो कैंडिडेट बाहर आए हैं इंटरव्यू देके, उनके रिव्यूज कवर मैं कर रहा हूँ और जानेंगे कि उत्तराखंड का जो भी उत्तराखंड पीसीएस की जो भी तैयारी कर रहा है वो कैसे अपनी जर्नी को आगे लेके चल सकता है। तो हाय एवरीवन, अगर चैनल पे पहली बार है, साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको इंटरव्यू अपेयर करने के लिए। आप अपने बारे में जानकारी दें कि आप कहाँ से आती हैं, नाम और टेंथ मीडियम। मेरा नाम शिल्पा भाटिया है, मैं उत्तराखंड ऋषिकेश से आती हूँ और मैं ऑलरेडी इस समय उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट में सर्व कर रही हूँ। मैं पौड़ी में अर्थ एवं संख्या अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ। और लेकिन पिछली बार जब मेरा सिलेक्शन हुआ था वो पीसीएस के दूसरी वैकेंसी के माध्यम से हुआ था, तो ये पीसीएस में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। ओके, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट। यस। मीडियम क्या रहा है? मीडियम मेरा इंग्लिश रहा है। इंग्लिश मीडियम, क्या लगा कि आपको इंग्लिश मीडियम से बेनिफिट रहा है, लग रहा था? अगर कंटेंट पे बात करें या फिर टीचर की अवेलेबिलिटी की बात करें, उन सबको ध्यान रखते हैं। देखिए, जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि हिंदी मीडियम को नुकसान रहता है, लेकिन सर, जब हम उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी करते हैं तो उत्तराखंड स्पेसिफिक मैटर हिंदी में ही मिलता है और इसे इंग्लिश में ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने जितना भी हिंदी का मैटर मिलता था, जो बुक्स हैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके अपनी तैयारी की, तो इंग्लिश मीडियम जो है उत्तराखंड स्पेसिफिक तैयारी करने में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम चैनल पे ऐसे रिव्यूज आ रहे हैं जो कि इंटरव्यू के बाद वाले और ऊपर से पहले कैंडिडेट आप हैं जिसका मैं ये कवर कर रहा हूँ। तो मैं जानना चाहूंगा, इंटरव्यू हॉल में जब आप जाती हैं तो जाने से पहले क्या मन में चल रहा था, कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, जिस हिसाब से आपने सोचा था वैसा माहौल था या फिर उसके से अलग थोड़ा एक्सपीरियंस रहा? जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इशू भी ट्रेंड में है, ये भी है, बहुत एंजाइटी रहती है कि सब कुछ कवर कैसे करेंगे। लेकिन जब हम वहां जाते हैं तो बोर्ड काफी कॉर्डियल है, एक रिलैक्स का माहौल है और ऐसा नहीं है स्पेसिफिक कि वो कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं क्रॉस क्वेश्चन उसी पे ही बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा 70% इंटरव्यू तो उसी डायरेक्शन में गया कि जो भी मैंने वर्ड बोला अगला क्रॉस क्वेश्चन उसी से था, तो उसकी डेप्थ में था। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं क्या ब्रेकफास्ट करके आई हूँ, ये क्वेश्चन था, और उस ब्रेकफास्ट में फिर उसके क्या फाइबर कंटेंट है, क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड पूछ रहा है। तो मतलब उसमें रिलैक्स का ही माहौल है अंदर, कोई बहुत एंजाइटी नहीं रह जाती जब हम अंदर पहुंच जाते हैं। ठीक है, बोर्ड किसका था और कितने मिनट लगभग चला है? मेरा 25 to 30 मिनट्स चला और बोर्ड रिचा गौड़ मैम का था। ओके, आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो स्टैटिक्स ओरिएंटेड थे या फिर करंट की जो चीजें थी उससे भी कुछ रहा है? ये मिक्स था। बताना चाहिए एक आध क्वेश्चन अगर याद हो, प्रेशर तो अलग ही होता है वहाँ पे। स्टैटिक में यूसीसी के बारे में जिक्र हुआ और करंट ओरिएंटेड में इंडिया कैसे ग्लोबल पावर बन रहा है, क्या रीसेंट स्टेप्स इंडिया कर रहा है, उस पर बात हुई। और स्टैटिक में इसके अलावा G20 के ऊपर डिस्कशन हुआ और इंटरनेशनल एरिना में क्वेश्चंस पूछे गए, कुछ स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटर्स के नाम पूछे गए, उनकी उपलब्धियां पूछी गई कि आप उनसे क्यों इंस्पायर्ड हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चंस इंटरव्यू जैसे जैसे चलता रहा और फिर हर आंसर के साथ अगला क्वेश्चन खुद डेवलप होता चला गया। आपको लग रहा है कि आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो वो आपको बेनिफिट्स दिया है इस इंटरव्यू हॉल में, वो माइंड सेट, वो पर्सनैलिटी, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो सारी चीजें यहाँ काम आई? देखिए, जैसे हम जॉब में रहते हैं तो उसका बहुत बेनिफिट इस लिहाज में आप दोनों साइड से ले सकते हैं। बेनिफिट ये है कि आपको थोड़ा सा ग्राउंड लेवल की जानकारी होती है कि सिस्टम काम कैसे करता है, लेकिन जो क्वेश्चंस थे वो फिर जॉब ओरिएंटेड भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे एक नॉर्मल एस्पिरेंट है, वो अगर उत्तराखंड तैयार करके जाता है, कॉन्फिडेंट होता है मुझसे उत्तराखंड पूछा जाएगा, स्टैटिक पे तैयार करते जाता है, लेकिन हम जो पूरा इंटरव्यू का 50% टाइम जॉब ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे हो जाता है। तो मतलब इसके मिक्स है, बेनिफिट भी है नुकसान भी है, लेकिन बेनिफिट मैं कहूंगी ज्यादा है क्योंकि आपको एक नॉलेज रहती है कि सिस्टम काम कैसे करता है। ठीक है, उत्तराखंड वाल जो उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप अपनी बुक लिस्ट बताएं सब्जेक्ट वाइज कि GS 1 से लेकर GS 4 और जो एसे और जनरल हिंदी के लिए आपने किया,
और जो आपके दो ये पेपर होते हैं उत्तराखंड स्पेशल, उनके लिए क्या किया आपने, क्या क्या वो रिसोर्स क्या रहे हैं? ये उत्तराखंड स्पेशल के पेपर्स तो इसी बार से इम्प्लीमेंट हुआ है, पिछले बार ये नहीं था। उत्तराखंड के लिए मैंने परीक्षा वाणी की है और मैंने पूरी परीक्षा वाणी के अपने जो भी यूजफुल नोट्स थे उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके किया। कुछ मैटर इंग्लिश में मिल गया था लेकिन मैंने उसको खुद कन्वर्ट किया। परीक्षा वाणी यस अच्छी रही, बेनिफिशियल रही, और उसी के ही मल्टीपल रिविजन्स करना ही बेस्ट रहेगा। और स्टैटिक सोर्सेज के मेरे भाई कॉमन सोर्सेज जो हर एस्पिरेंट फॉलो करता है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांती, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने श्री राम आईएएस की बुक ली, इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस की एक बुक आती है वो ली थी, और हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वहाँ से कवर की, तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री मैंने एंशियंट हिस्ट्री में और मेडिवल मैंने तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री से की। और एसे के लिए मैंने कोई बहुत बुक्स वगैरह कुछ रेफर नहीं की, मैंने दो तीन मॉडल एसेज डाउनलोड किए जो मुझे लगा, फिर मैंने उस एसे का लिखने का पैटर्न समझा, और फिर मैंने न्यूज़पेपर्स रेगुलर पढ़े, वहां से जो मुझे एक स्टोरी थीम लगी कि ये मैं अपने एसे में यूज कर सकती हूँ, तो मैंने न्यूज़पेपर्स के टच में रही और मैंने अपने एसे की कुछ ड्राफ्टिंग पहले से करके रखी थी कि इस तरीके से मैं अपना एसे ले जाऊंगी, तो उतना ही काफी था। आपका जो मैम करंट अफेयर वाले पोर्शन रहा है, मंथली मैगजीन आपने ज्यादा प्रेफर किया था या फिर लगता है क्योंकि बहुत बार होता है कि 3 घंटे 4 घंटे न्यूज पेपर में लोग दे देते हैं, उसमें जरूरी है पीसीएस के लिए? देखिए जैसा हमेशा से पीसीएस का पैटर्न उत्तराखंड में आ रहा था तो उसमें पहले करंट ओरिएंटेड उतना नहीं होता था, लेकिन इस बार सभी एस्पिरेंट्स को बड़ा शॉक लगा क्योंकि जब वो एग्जामिनेशन हॉल में गए तो देखा कि इस बार करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस पहली बार देखने में आया कि बहुत ज्यादा पूछे गए, तो मैगजीन्स बिल्कुल अब पढ़नी चाहिए आपके पैटर्न के हिसाब से, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लगातार अपडेट में रहें करंट के। आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा वीक सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहा क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं है और मुझे जो एक पेपर 7 था मैथमेटिक्स उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। हालांकि मैं जॉब में थी तो मैंने पूरा यूट्यूब से देख के अपनी तैयारी की थी, तो मैथमेटिक्स के लिए मुझे बहुत तैयारी करनी पड़ी। उन एस्पिरेंट के लिए लास्ट मैसेज, जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, कोचिंग नहीं दे कर पाते, तो कुछ ऐसे फ्री रिसोर्सेज अगर आप रिकमेंड करना चाहें? देखिए अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो उसको बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं, मैंने आज तक कभी कोई कोचिंग नहीं ली है, जहाँ मैं जिस जॉब में हूँ भी मैंने अपने आप बुक्स लेके और अपने नोट्स बना के उसी को रिवाइज करके किया। अभी यहाँ पे भी मैंने जो है अपने यूट्यूब का सोर्सेज और टॉपर्स टॉक सुन के और अपनी बुक्स लिस्ट जो वो बताते हैं वो यूज करते अपने नोट्स बना के तैयारी की। तो आपको एक प्रॉपर बुक लिस्ट फॉलो करनी है, लिमिटेड रिसोर्सेज पे स्टिक रहना है, वही आपके हर सब्जेक्ट की 1 से 2 बुक्स होनी चाहिए, उन्हें मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है और यही सफलता का मूल मंत्र होगा। कोचिंग इज नॉट दैट मच एसेंशियल। ओके, ये जो क्वेश्चन मैंने पूछे ये वो क्वेश्चन होते हैं जो एस्पिरेंट मैम उसे पूछते हैं, कमेंट्स आते हैं। लास्ट मैसेज जो आपके मन की बात हो, कुछ कहना चाह रही हो, क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी है जो कि आपसे एक लंबा टाइम मांगती है, बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, लास्ट पड़ाव पे जाके छोड़ देते हैं इंटरव्यू, उनके लिए सारी ओवरऑल आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ओवरऑल यही कहूंगी कि अब तो हालांकि परीक्षा पैटर्न्स में काफी सुधार हुआ है पिछले साल से, लेकिन कोई भी आप एग्जाम दें तो उसमें कई बार आपको सफलता मिलती है नहीं मिलती, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है दैट इज परसीवरेंस। आपको किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोना, आपको हर 3 दिन बाद अगर ऐसा लगे कि मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा आप 1 दिन का ब्रेक लीजिए पर दोबारा बैक टू स्टडीज आइए। मुझे बीच बीच में जरूर ऐसा लगता था, कई बार मेरी जॉब के कारण मुझे 8-8 बज जाते थे रात को आने, मुझे लगता है मैं थक गई हूँ मैं नहीं कर पा रही हूँ। डेफिनेटली आप ब्रेक्स ले सकते हैं लेकिन आपको री एनर्जाइज करके अपने आप को दोबारा से लगे रहना है, तो हार्ड वर्क इज द की। थैंक यू सो मच मैम, होप ये आपका लास्ट अटेम्प्ट भी हो और प्रॉपर आप लिस्ट में आए और मैम के साथ एक टॉपर्स वाला इंटरव्यू हो। मैम को विशेष दे सकते हैं, कैसी लगी वीडियो, ये फर्स्ट टाइम आ रही है उत्तराखंड पीसीएस की, कैसे लगी कमेंट करके बताएं, साथ ही मैम को विशेष दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कोई क्वेश्चन रह गया हो वो कमेंट कर दें ताकि मैं जितने भी कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं उनसे मैं लगातार इस इंटरव्यू के जरिए आपके क्वेश्चन पूछ लूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।